हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सर? बोरा फैमिली में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैंने जो कल ब्लॉग बनाया था, उसमें बहुत से बहनों ने, लोगों ने मेरे को कमेंट करा था कि गोहद कैसी दिखती है, ये पहाड़ में होती है, गोहद ऐसी दिखती है, इसको रात भर भिगोया जाता है, फिर इसको पीस के इसकी सब्जी बनती है मिक्सी में। गर्मियों में इसकी सब्जी बनती है, सर्दियों में इसकी दाल बनती है भिगो के कुकर में सीटी मार के। वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आज मैं आपको अपने ब्लॉग में नई रेसिपी बनाना दिखा रही हूँ, जो है भंगूरा की चटनी। ये कैसी होती है, ये आपको मैं इसके बीज दिखा रही हूँ। ये पहाड़ों में ही मिलते हैं, इसके छोटे छोटे दाने होते हैं। अब मैं इसको कैसे इसकी बनती है मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले गैस को ऑन कर दो, उसके बाद फ्राई बीन रख दो। हमारा फ्राई बीन गर्म हो गया है, अब इसमें हम इसको डाल देंगे। अब इसको हम हल्का सा ऐसे घुमाते रहेंगे कलछे से। ये तो जलाना नहीं पड़ता, अगर ये जल जाएगी तो क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, कड़वा, इसीलिए इसको हल्का भूनना पड़ेगा ऐसे। अब हमारी आंच को हम कम कर देंगे, हल्की आंच में इसको भूनते रहेंगे। अब हम इसको भून रहे हैं, ये जलना नहीं चाहिए जब तक इसमें ये जो दाने हैं ना, ये चट चट करके जब तक आवाज़ नहीं करेंगे, इसको हम भूनते रहेंगे। और इसको बिल्कुल जलाना नहीं पड़ता है, हिलाना पड़ता है ऐसे चम्मच से बार बार। ये अब भून चुका है, आप इसको दो चार दाने हाथ में रख के चख सकते हो, क्योंकि इसका हल्की क्रंची क्रंची स्वाद आएगा, भुना हुआ स्वाद आ जाता है। अगर ये कच्चा रहेगा तब भी टेस्टी नहीं होगा, ये पूरा जल जाएगा तब भी नहीं। इसको भूनने में ही इसका मेन चटनी बनाने का वो है। हम इसको अब एक कटोरी में पानी लेके इसमें ऐसे डाल देते हैं। पानी में डालने से इसका जो नीचे का जो भी होगा खराब चीजें वो नीचे रह जाती हैं। पानी में डालने के बाद इसको हल्का छन्नी में ऐसे करके गलत छान के हम लोग इसको मिक्सी में डाल देंगे, क्योंकि जो भी इसका नीचे कोई भी पत्थर, अगर पहाड़ों में पत्थर बहुत होते हैं, पत्थर अगर कुछ भी रहा है वो सब नीचे रह जाता है। मैंने अपने भंगूरा को मिक्सी में डाल दिया है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये इसमें पड़ेगी, क्योंकि बिना हल्दी का ये अच्छा नहीं दिखता। अब ये है चूक, जो बड़ा वाला नींबू होता है, उसको हमारे पहाड़ों में पका के रखते हैं, वो बोतल में भर के बेचते हैं, वो ये पड़ता है खट्टापन करने के लिए। जिसके पास ये चीज नहीं है वो नींबू भी डाल सकते हैं काट के, पर ये डालने से आप 3-4 दिन तक अपनी स्टोर करके चटनी खा सकते हैं, ये खराब नहीं करती है। अगर आप मिर्च तेज खाते हो तो 3 से 4 डालिए, अगर नहीं कम खाते हो तो 2 ही मिर्च डालिए, हरी मिर्च भी डालिए। आधा कटोरी पानी, नहीं तो ये पीसेगी नहीं सूखी सूखी, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको पीस दिया है, इसको इतना महीन करके पीसना पड़ता है, इसमें आधा कटोरी और पानी डाल के तब ये पीसती है। ये हमारी भंगूरा की चटनी तैयार हो चुकी है। हम लोग इसको दाल चावलों के साथ खाते हैं और रोटी के साथ भी खाते हैं, पराठों के साथ भी खाते हैं। ये भी आप भंगूरा की चटनी आप लोग अपने घर में बनाइए, खाइए, ये बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, आगे शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।